साल भर नाई बीतल ओनहू के बहुरी सालों भर नाई बीते पवल तब का बोला बेटा के फेंकड़ी। तो दोस्तों आज जो मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं कि जैसे तुम नौटंकी कर रहे, बहुत से फेक है, ऐसा है वैसा है। तो जिस माँ का लाल उजड़ जाए, जिस पत्नी का पति उजड़ जाए, उसका क्या होगा? देखिए दोस्तों सुनिए, साल भर पहले हमारे मौसा जी को मार दिया गया था। उसके बाद फिर तब से मौसी हमारे यहाँ रह रही थी। इनका बेटा था, इधर घूम रहा था, उधर कमा रहा था, इधर उधर। और कुछ ऐसी बातें जो फ़ोन खुलेगा तो पता चलेगा उसमें क्या है क्या नहीं। फ़ोन का स्विच ऑफ खुला है तो शाम को भाई आएगा बताएगा। उसके बाद जो है फिर साल भर के बाद इधर बेटा का जो ट्रेन से कट कर, अब वो खुद सुसाइड किया है कि करवाया गया है क्या है ये नहीं पता है, लेकिन गले से पूरा ख़त्म हो गया था, जैसे यहाँ से पूरा छत के ख़त्म हो गया था। मौसी को भी कुछ नहीं पता था कि कैसे हुआ कैसे नहीं। यहाँ आई बोली कि जब हमारे बाबू मार गए थे हथियारों पकड़ाए चाहे, तो मैं बोला नहीं ऐसी ऐसी बात है। तो मौसी का भाई शांत रहा शांत रहा। साल भर नाई बीतल ओनहू के बहुरी सालों भर नाई बीते पवल तब का बोला बेटा के फेंकड़ी। अब तो यह बा काली से लेके गांव से लेके पूरे भारत से माफी मांगत हई और अपने पति के अपने बेटा के कर्म के लिए सहयोग मांगत हई। दोस्तों देखिए हम लोग जो हैं मौसा का भी काम और उसका एक साथ कर रहे हैं, काहे कि मौसा जी का भी काम हुआ नहीं था तो इसलिए हमें करना पड़ रहा है। और देखिए बस ये कल भी बार बनवाएंगे, क्योंकि आज दोस्तों 3 दिन पे ही हो रहा है। और बहुत हमारी मौसी को तो कुछ नहीं हो है कि क्योंकि बेचारी इनको जो कहोगे वही समझेंगी, आम को इमली कहोगे तो इमली ही समझेंगी। और दूसरी बात यह है कि बस हम लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग सहयोग करिए, प्यार दुलार दीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस एक कमेंट करिए कि जो एक माँ का जो दर्द होता है, बहुत से लोग की अगर हम सुनाते मौसी को तो फूट फूट के रोती, लेकिन हम नहीं सुनाएं। माँ जो है सिर्फ वही सोचती है, अभी तक इनको जब भी ऐसे मन कोई आता है रोने लगती हैं, कहती है हमारे बाबू चली गए ऐसे है, याद आता है। अब क्या उसका क्यों वैसा किया, सुसाइड किया कि मर्डर हुआ क्या हुआ ट्रेन के सामने या गिर गया, अब इसका पूरा खुलासा नहीं हुआ। और अभी उसका फ़ोन जो लिया था उससे भी कुछ पता लगाया जाएगा। हालांकि वहां से हमने ट्रेन से बॉडी लाई कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, क्योंकि जो जानते नहीं थे उसके बारे में नहीं है। लेकिन बस यही है मौसी को जो नहीं पता है वो। और दूसरी बात है दोस्तों ये क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या होगा। काल मौसी का भाई का भाई का भाई का सालो चल बरनाई भाई पति के अपने फेकड़ी। दोस्तों इसके पहले मौसा जी का भी हुआ एक हफ्ता नाई भाई बेटा के अपने फेकड़ी, अभी कल नहीं परसों हुआ है। आज दूसरा आज नहीं कल करके आए, आज दूसरा दिन है। और मौसी को हम लोग रात में नहीं बताए थे, भाई बंधु सबके। और एक चीज दोस्तों ना जाने के, बड़े के नमस्कार करते हैं, छोटे के आशीर्वाद देते हैं, ये विपद भगवान के होके नहीं 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 परेशान न हो खा हम बाटी ने। दोस्तों कुछ लोग को लगता है, लेकिन मौसी हमारे मम्मी को भी जिलाई हैं और आज हमारे लिए माँ हैं, हम इनको गोद लिए हैं कि कहीं भी कोई कुछ भी हो लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे साथ हैं, जब तक जिंदगी है तब तक हमारे साथ रहेंगे। नानी भी ऐसे थे। मौसी परेशान न हो का हमन है ही न, हमन बाटी न।
अरे हाँ बाबू, हाँ तब टेंशन न लगाओ ना, तरहती कैसे जीवन भर हमारे यहाँ। तू जीवन भर जबले जीबू तबले ही रहू, कहीं जाए ना आए बाप, ठीक बा, कोनो दिक्कत ना इन बा? ना ही कोनो दिक्कत हो तरहीन पौधे होती है। तो कहते हैं माई मरे मौसी जी है, वही हाल है हमारे। देखिए मेरे पास दो माँ है, एक वो माँ एक ये माँ, जो कि हमारे बच्चे हमारा बच्चा सिर्फ इन्हीं के पास दिन भर रहता है, यही देखती हैं, हर चीज़ करती हैं। और आज सब बस यही समझिए कि जिस तरह बच्चे को गोद लेते हैं, मैं माँ को गोद लिया हूँ कि माँ मौसी हमारे पास ही हमेशा रहेंगी।